गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जो हम कविता कर रहे हैं वो कविता है राम राम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। क्या नाम इसका? राम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। मैंने पहले भी बताया था, जो कवितावली वाला प्रसंग है, पोर्शन है, वो कट कर दिया गया है। इसलिए आपने जो लर्न करना है वो राम सॉरी लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ही लर्न करना है। तो इसके जो सरलार्थ हैं वो भी आपने वही करने हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो लक्ष्मण मूर्छा है उस प्रसंग लोक नायक तुलसीदास की श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के पश्चात प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के पश्चात उसकी मूर्छा अवस्था तथा राम के विलाप का कारुणिक चित्रण किया है। क्या किया है? उसकी जो मूर्छा अवस्था और राम के विलाप का कारुणिक होता दया से भरा हुआ चित्रण किया है। यहाँ कवि ने शोक में व्यथित राम के प्रलाप तथा हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना की घटना का सजीव अंकन किया है। कवि ने करुण रस में वीर रस का अनूठा मिश्रण किया है। करुण रस कब है? का मतलब जब लक्ष्मण बेहोश अवस्था में है तो वियोग कौन कर रहा है? दया भावना के साथ श्री राम जी। तो यहाँ क्या है? करुणा प्रकट हो रही है और वीर रस हनुमान जी की वीरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय भी वो संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात हनुमान जी अब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो भरत उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। भरत जी उन्हें स्वस्थ कर अपने बाण पर बैठा कर राम जी की ओर भेज देते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी मूर्छित हुए, जब बाण लगा ना हनुमान जी के, तब उनके मुख से एक आवाज़ निकली थी, हे राम हे राम। जब वर्ड भरत ने सुना तो उसके बाद उन्होंने स्वयं क्या किया, उनको राम जी के पास बाण पर बैठा कर भेजने का कार्य किया। हनुमान जी उनका गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। उधर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के हृदय से लगा विलाप कर रहे हैं। वे एकटक हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा में हैं। श्री रामचंद्र अपने अनुज लक्ष्मण को नसीहतें दे रहे हैं कि आप मेरे लिए माता पिता को छोड़कर यहाँ जंगल में चले आए, जिस प्रेम के कारण तुमने सब कुछ त्याग दिया, आज वही प्रेम मुझे दिखाओ। श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधन कर रहे हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन होता है और मने के बिना सांप हीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके बिना भी मेरा जीवन अत्यंत हीन असहाय हो जाएगा। राम सोच रहे हैं कि वह अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाएगा। अयोध्या वासी तो यही समझेंगे कि नारी के लिए राम ने एक भाई गंवा दिया। राम ने नारी के लिए एक भाई को गंवा दिया। समस्त संसार में अपयश फैल जाएगा। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को मेरे हाथ में यह सोच कर सौंपा था कि सब प्रकार से मैं उसकी रक्षा करूँगा। श्री राम जी के सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी ले आने पर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
वैद्य जी ने तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे लक्ष्मण को होश आ गया। राम ने अपने अनुज को हृदय से लगाया। इस दृश्य को देख राम सेना के सभी सिपाही बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने पुनः वैद्य को अपने निवास स्थान पर पहुंचा दिया। रावण इस वृत्तांत को सुनकर अत्यधिक उदास हो उठा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के महल में आए। कुंभकर्ण को रावण ने जगाया तो वह यमराज के समान शरीर धारण कर जागृत हुए। रावण ने उसके समक्ष अपनी संपूर्ण कथा का व्याख्यान किया। साथ ही हनुमान जी ने रण कौशल और बहादुरी का परिचय भी दिया। उसने अनेक असुरों का उपसंहार कर दिया था। तो ये हमने सिर्फ कविता का सार रीड किया है। बच्चे सरलार्थ को बुक से अपने ये कविता के सार पर याद आते हैं इसके सरलार्थ, तो सरलार्थ को अपने आप याद करने की और पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि जो आपके सरलार्थ के पीछे स्टांजा हैं उनसे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आप पूरे ध्यान से अपने बुक अपनी हेल्प बुक उठाओ और उन स्टांजाज को भी रीड करो। ओके, थैंक यू।